नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं कमाल की रेमेडीज़। फ्रेंड्स, हमारी स्किन पर जिस तरह से नेचुरल चीज़ें असर करती हैं, उस तरह से कोई भी केमिकल असर नहीं दिखा पाता। अगर स्किन की बात करें तो कोरिया, जापान जैसे साउथ ईस्ट एशिया की जो महिलाएँ होती हैं, उनकी स्किन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उनकी स्किन लंबे समय तक जवान बनी रहती है और उनके ब्यूटी रूटीन का एक अहम हिस्सा होता है चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल का मतलब सिर्फ डाइट नहीं होता है, बल्कि चावल आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक एंटी एजिंग मास्क, जो कि रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करता है। दोस्तों, ये मास्क स्किन को टाइट बनाता है, स्किन में कसाव लाता है और चेहरे पर देता है एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो। फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावल लिए हैं। ये नॉर्मल चावल हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके का चावल इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। दोस्तों, चावल में विटामिन बी की भरपूर मात्रा होती है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट होती है और रिंकल्स रिमूव होते हैं। राइस यानी कि चावलों से स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, जिससे कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट होता है और चेहरा ग्लोइंग और बेताब बनता है। तो आपको इस चावल से ही ये रेमेडी तैयार करनी है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और पैन के अंदर आपको डालना है 2 चम्मच चावल। फ्रेंड्स, ये जो चावल हैं, ये आपकी स्किन को टाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, साथ ही ग्लोइंग स्किन बनाते हैं और आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनको टाइट करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच चावल ले लिए हैं और इसके अंदर अभी हम डालने वाले हैं 1 ग्लास पानी, क्योंकि हमें चावल को बॉयल कर और इसका एक पेस्ट तैयार करना है। अब हम इस पैन को गैस के ऊपर रखेंगे और इसे उबालेंगे जब तक कि चावल अच्छे से उबल नहीं जाते। चावल को उबालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है और ये 10 से 15 मिनट के अंदर चावल बिल्कुल पक जाएंगे आपके, बॉईल हो जाएंगे। जो इसके अंदर पानी है वो भी आपको फेंकना नहीं है, उसे भी इसी के साथ इस्तेमाल करना है। तो 10 मिनट हमने उबाले हैं चावल मीडियम फ्लेम पर और बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं ये चावल। आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं, ढकने से चावल और जल्दी पकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा पानी है इसके अंदर, तो हम गैस का फ्लेम अभी ऑफ कर देंगे और इन चावलों को ठंडा करके पीसना है। पीसकर एक बढ़िया सा आपको पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट हम तैयार कर चुके हैं ग्राइंडिंग जार के ज़रिए और अभी हम एक बाउल के अंदर इस पेस्ट को निकाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पानी की क्वांटिटी कम रह गई है चावलों में, तो थोड़ा सा पानी आप ऐड करके तब इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार करना है। अभी इस राइस के पेस्ट में हम एक और चीज़ ऐसी मिलाने वाले हैं जो कि रिंकल्स एंड फाइन लाइंस पर मैजिकली काम करती है, साथ ही आपकी स्किन को टाइट बनाने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज भी जिसे कहा जाता है, ये ब्राउन कलर के चमकीले बीज होते हैं। ये बीज आपकी स्किन को टाइट बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। ये स्किन को टाइट बनाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, रिंकल रिमूव करता है चेहरे से। फ्लैक्स सीड में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो कि स्किन को ग्लोइंग एंड फ्रेश बनाता है। फ्लैक्स सीड स्किन से एजिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है और आँखों के पास जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, होठों के पास जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उन्हें भी कम करने में हेल्प करता है। हमें इन फ्लैक्स सीड से जेल तैयार करना है, उसकी रेसिपी अभी हम आगे बताने वाले हैं। इसका जो जेल है वो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो कि बालों और स्किन दोनों के लिए बहुत काम का होता है। तो फ्लैक्स सीड्स को उबालने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच फ्लैक्स सीड। ये जो रेमेडी हम तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसे आप स्टोर कर सकते हैं 3 दिन के लिए, तो इतनी क्वांटिटी 3 दिन के लिए काफ़ी रहेगी। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच फ्लैक्स सीड लेंगे और इसे उबालने के लिए आपको इस्तेमाल करना है 1 ग्लास पानी। इस फ्लैक्स सीड को पानी के अंदर आपको उबालना है लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, तभी इसका अच्छा सा जेल तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्लैक्स सीड को हम बॉईल कर रहे हैं पानी के साथ, थोड़ा सा इसे चलाना पड़ेगा आपको ताकि फ्लैक्स सीड नीचे ना बैठ जाए। तो हल्का हल्का हम इसे चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक उबालेंगे। 10 मिनट उबालने के बाद जो फ्लैक्स सीड हैं थोड़े फूल जाएंगे, जो ये पानी है ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम छान कर जेल सेपरेट कर लेंगे। इसे छानने के लिए हमने एक कांच का बाउल ले लिया है, इसके ऊपर पतला सा कॉटन का कपड़ा रखेंगे ताकि जो फ्लैक्स सीड जेल है वो आसानी से निकल पाए।
अब जो फ्लैक्स सीड जेल हमने बनाया है वो इस कॉटन के कपड़े में डालेंगे और आप देखिए काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। 10 मिनट के अंदर ही आपको जो जेल है वो बिल्कुल तैयार मिलेगा। अब इस कपड़े को हम ऊपर से बंद कर लेंगे और इस जेल को हम निचोड़कर बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही आप इसको ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो जेल इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये फ्लैक्स सीड जेल आप ऐसे भी अपने बालों में लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाकर, या फिर डेली अपने फेस की मसाज भी इससे कर सकते हैं। उससे भी आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स रिमूव होंगे, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ये बिल्कुल मैजिकल रेमेडी है जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये जेल तैयार हो गया है। इस जेल को आप उठाकर रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। 1 महीने तक ये जेल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और अपने बालों और अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रेमेडी को बनाने के लिए भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी ये जो जेल है हम राइस के जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसमें मिलाएंगे। तो इस राइस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे इस मास्क में, जो कि आपकी स्किन पर गुलाबी निखार लाएगा, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा, साथ ही आपकी स्किन के पीएच लेवल को ये मेंटेन रखता है। दोस्तों, ये राइस का जो फेस मास्क है ये आपके स्किन की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। आपके ओपन पोर्स हैं चेहरे पर तो उन्हें श्रिंक करने में भी आपकी हेल्प करेगा, साथ ही स्किन टाइटनिंग में आपकी हेल्प करेगा। आपके फेस पर ग्लो लाएगा जो कि खो चुका है पोल्यूशन की वजह से, टैनिंग की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, साथ ही स्किन वाइटनिंग में भी ये हेल्प करेगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड जेल जो हमने बनाया था। तो 2-3 चम्मच फ्लैक्स सीड जेल आपको इसके अंदर ऐड करना है। बिल्कुल अच्छे से अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे बादाम रोगन यानी कि बादाम का तेल। ये भी आपकी स्किन को ग्लो देने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने लगभग 1/4 टीस्पून ये बादाम का तेल इस्तेमाल किया है। बादाम का तेल आपके स्किन को ब्राइट बनाने में भी हेल्प करता है, ग्लो लाने में हेल्प करता है। तो आपकी स्किन टाइट होने के साथ साथ ग्लोइंग भी हो जाएगी इस मास्क को अप्लाई करने से। ये हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा फेस पैक बनकर तैयार है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की तो इसे लगाना बहुत ही सिंपल है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लीजिए, फेस पैक तैयार हो जाएगा। इसके बाद अपनी स्किन पर इस पैक को लगाकर आपको मसाज करनी है और 30 मिनट्स के लिए अपनी स्किन पर इस पैक को छोड़ना है। लेकिन पहले आपको अच्छे से मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है ताकि जितने इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी स्किन अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाए। फ्रेंड्स, इस रिंकल रिमूवल मास्क का इस्तेमाल आपको वीक में कम से कम 3 बार करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, और उसके बाद 1 ही हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कसाव आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही मैजिकल फेस पैक है और साथ ही आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट भी बनेगी इससे। तो पहले सर्कुलर मोशन में आपको 1 से 2 मिनट इसे मसाज करना है ताकि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में ये मास्क, और आप देख सकते हैं अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है। इसके बाद आपको 30 मिनट के लिए अपनी स्किन पर इस मास्क को छोड़ना है और उसके बाद पहले गुनगुने पानी से आपको अपना मुंह धोना है, फेस वॉश करना है, और उसके बाद ठंडे पानी से आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसका इस्तेमाल वीक में 3 बार करना है जैसा कि हमने अभी बताया है। साथ ही आप इस पैक को भी स्टोर करके रख सकते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद आप दोबारा से ये पैक तैयार कर लीजिएगा। फ्लैक्स सीड जेल तो आप ऑलरेडी बनाकर अपने फ्रिज में रख ही लीजिए ताकि आप ये पैक आसानी से बना पाएं। तो ज़रूर इस पैक का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके चेहरे पर बुढ़ापे की निशानियाँ आनी शुरू हो गई हैं, एजिंग साइंस आ गए हैं और आपके चेहरे पर उम्र से पहले ही एजिंग साइंस विजिबल हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस हैं, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आज की रेमेडी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक और कमाल की रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।